नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे संयोजक कड़ियों से प्रमाण। ये संयोजक कड़ियों से प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण निकलता है। जंतु जगत के कुछ जीव ऐसे हैं, हमने कहा जंतु जगत के कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते हैं, राइट। जिसके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। भाई प्रकृति में बहुत से ऐसे जगत में कुछ जीव होते हैं जिसके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षणों से मिलते रहते हैं। इनमें से एक वर्ग के जंतु विकसित तथा दूसरे वर्ग के जंतु अधिक विकसित होते हैं। भाई एक वर्ग के जंतु जो होंगे विकसित और दूसरे वर्ग के जंतु जो होंगे अधिक विकसित होंगे। फिर क्या कहता है, फिर कहता है ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़िया कहा जाता है। ऐसे जंतु क्या कहा जाता है मित्रों, संयोजी कड़िया कहा जाता है। फिर देखिए, जो दो वर्गों के बीच सेतु बनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संयोजी कड़िया निम्न है। अब ये क्या क्या हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये। जैसे विषाणु को जीवित तथा अजीवित के बीच की कड़ी माना जाता है। जैसे विषाणु को जीवित तथा अजीवित के बीच की कड़ी माना जाता है, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पर युगलीना, यहाँ एक कोश की प्रोटोजोवा, भाई एक कोश की, ठीक, एक कोश की जैसे प्रोटोजोवा है जंतु जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। भाई क्लोरोफिल कारण पत्तियाँ हरी भी होती हैं। यह जंतु समभोजी हैं। कैसे समभोजी हैं, समान प्रकार के भोजन करते हैं, किंतु पादप के समान भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अतः यह पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी है, राइट। तो मित्रों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। युगलीना क्या है, यहाँ एक कोश की प्रोटोजोवा जंतु जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह जंतु समभोजी है किंतु पादप के समान भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अतः यह पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी है, राइट। चलिए फिर देखिए क्या कहता है पेरिपेटस। ये पेरिपेट्स क्या है, यह संघ ओनाइको कोश का जंतु है। इसमें कुछ लक्षण संघ एनिलीडा के तथा कुछ लक्षण संघ आर्थोपोडा के पाए जाते हैं। तो मित्रों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कहा जा रहा है कि यह संघ ओनाइको कोश का जंतु है। इसमें कुछ लक्षण संघ एनिलीडा के तथा कुछ लक्षण संघ आर्थोपोडा के पाए जाते हैं। इट्स ऑल राइट। अब यहाँ पर मित्रों आपको ध्यान देना है आर्कियोपेप्रिक्स, यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है। फिर क्या कहता है प्रोटोथीरिया मित्रों क्या है, यह सरीसृप व स्तनधारियों के बीच की कड़ी है। जैसे टेकिग्लोसस, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी कुछ सीख पाएँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।